आई 100% बिलीव कि हर कोई अपने फेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एंड जब आप अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करते हो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि हर ह्यूमन चाहे वो कितना भी कहे फेस डज नॉट मैटर, सबकॉन्शियसली एक एनिमल ही है, एंड एक एनिमल को सिमेट्री इन नेचर, ब्यूटीफुल फेसेस, ब्यूटीफुल फिजिक्स, ब्यूटीफुल फिगर, ये पसंद आता ही आता है, चाहे कॉन्शियसली ना आए सबकॉन्शियसली आता ही आता है। जो पहली चीज़ तुम ये वीडियो देखने के बाद सीधा शुरू कर सकते हो अपने फेस को इम्प्रूव करने के लिए, वो है अपनी बॉडी फैट को घटाना। अगर बॉडी फैट कम होगी, ट्रस्ट मी, तुम्हारा मूड डिफरेंट टाइप का नजर आने लग पड़ेगा। अगर तुम इस वक्त ऐसे हो जो कि स्क्रीन में 15% से 20% बॉडी फैट वाले हो और तुम्हें लगता है तुम्हारा मुंह सुंदर ही नहीं है, तुम एक झूठी रियलिटी में जी रहे हो सकता है तुम्हारा मुंह लिटरली मॉडल्स जैसा हो, क्योंकि मुंह की सुंदरता डिपेंड करती है तुम्हारे फेस की बोन्स पे। अगर बोन्स अच्छी हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो स्किन भी अच्छी लगती है। पर जस्ट इमेजिन तुम ये बोन्स को कवर कर दो फैट के साथ और कभी ये बोन्स ना दिखें। जैसे तुम अपने एब्स बहुत अच्छे हो सकते हैं पर लेकिन इतना फैट ऊपर चढ़ा है एब्स के कि वो एब्स कभी दिखेंगे ही नहीं। सेम वे अगर तुम्हारे मुंह में फैट है बहुत ज़्यादा, जो कि पूरी बॉडी में होता है, माइंड यू कोई भी स्पॉट रिडक्शन नहीं पॉसिबल है, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ मुंह का फैट हटाओ या सिर्फ पेट का फैट हटाओ, तुम्हें पूरे शरीर से एक साथ फैट हटाना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे बॉडी में फैट ज़्यादा है तो मतलब तुम्हारे मुंह में भी ज़्यादा, और अगर मुंह में ज़्यादा है तो मतलब तुम्हारे मुंह में वो बोन स्ट्रक्चर ही नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर से ब्यूटी होती है। और अगर बोन स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, यू विल लुक अगली, ट्रस्ट मी। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगली दिखते हो, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इस वीडियो खत्म करने के बाद होना चाहिए बॉडी फैट को कम करना। बॉडी फैट को कम कैसे करें, उसका एक ही तरीका, वो है डाइट। डाइट कैसे अच्छी फॉलो करें, आई बटन में वीडियो डाल देता हूँ, वहाँ टैप करके तुम अपने लिए खुद एक डाइट बना सकते हो, एंड ईजिली इंडियन स्टाइल खाने के साथ मिक्स करके खुद अपना बॉडी फैट डेली कम कर सकते हो, एंड तुम्हारा मुंह एक डिफरेंट लेवल पर नजर आएगा। ये है मेरा मुंह विद हाई बॉडी फैट, ये है मेरा मुंह विद लो बॉडी फैट, एंड बॉडी फैट बहुत बड़ा फर्क लाती है। नंबर सेकंड है तुम्हारा टंग पोस्चर। तुम्हारी टंग, तुम्हें पता है, हमेशा ऊपर होनी चाहिए रूफ में इस तरह से, एंड सिर्फ टंग ऊपर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी टंग का जो लास्ट पार्ट है ना यहाँ पे कान के पास बिल्कुल पीछे वाला, वो भी ऊपर टच होना चाहिए। तो अगर ये तुम्हारे मुंह का रूफ है और ये टंग है, तो ये सिर्फ ऐसे टच नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे पूरी की पूरी टच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी की पूरी टच नहीं है मतलब वो एक बैड पोस्चर है। एंड इट इज़ लाइक कि तुम मान लो लंबा दिखना चाहते हो पर तुम कूप डाल के चलते हो, तो तुम कभी लंबे दिख सकते हो नहीं ना। हो सकता है तुम खूब सारी एक्सरसाइज करो लंबे दिखने के लिए, लंबे दिखो भी, पर तुम्हारे पास फ्री के ऑलमोस्ट 2 इंचेस पड़े हैं क्योंकि तुम ऐसे चलते हो। तो अगर तुम सीधा चलने लग पड़ो, तुम्हारी 2 इंचेस हाइट इजीली बढ़ जाएगी 5 मिनट में। ये जो मैं टंग वाला पोस्चर बता रहा हूँ, ये 5 मिनट में तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं बना सकता। कई लोगों के साथ क्या होता है ना, उनकी अगर टंग जो है ऊपर को टच ना हो, जिसे म्यूइंग भी कहते हैं, तो उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डबल चिन बनती है। अगर तुम उनमें से हो, तुम अगर टंग ऊपर को टच करते हो, तुम्हारा फेस डिफरेंट लेवल का नज़र आएगा। पर अगर तुम ऊपर टच करने से कोई मुंह में फ़र्क नहीं आ रहा और तुम सोच रहे हो मेरे लिए यूजलेस है, ट्रस्ट मी, इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम ऊपर टंग को रखते हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर 1 ईयर, तुम्हारे मुंह में इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ होगी जिससे तुम्हारा मुंह बहुत सुंदर लगेगा। फॉरवर्ड ग्रोथ क्या होती है, ये मेरा मुंह दिख रहा है, ये मेरी चीक बोन्स यहाँ पे है, ये वाली बोन मेरी यहाँ पे है, तो ये मेरे यहाँ से माथे से कितना फ़र्क आया, इतना, लाइक मेरी ये हड्डी यहाँ है, मेरा फोरहेड यहाँ है, मतलब ये इतना गैप, इतना गैप। जितना मुंह तुम्हारा फॉरवर्ड होगा उतने ही तुम गुड लुकिंग नज़र आते हो, जितना मुंह फ्लैट होगा पीछे को उतने ही तुम अगली नज़र आते हो। तो अगर तुम्हें गुड लुकिंग दिखना है, तुम्हें अपने मुंह को फॉरवर्डली ग्रो करना पड़ेगा। फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी म्यूइंग, जिसे कहते हैं टंग का अच्छा पोस्चर। तो उसमें मैंने बता दिया, टंग को ऊपर रखो, अभी रखो, अभी रखो, यस, लास्ट पार्ट भी रखो, रख दिया, वेरी गुड। अब ये ही मेंटेन करके रखो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कई लोगों को सांस ना आए ऐसे करने से, क्योंकि उनके नोज के पैसेज इतने छोटे होते हैं। तो अगर ऐसा है तो स्टे विद द पोस्चर, इस पोस्चर के साथ ही रहो, तुम्हारे नाक से सांस भी आना शुरू हो जाएगी कुछ ही टाइम में, एंड तुम इजीली ब्रीथ भी करने लग पड़ोगे, तुम्हारा मुंह साल 6 मंथ में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा। नेक्स्ट चीज आती है चिंटक्स। चिंटक्स का मतलब होता है ये करना। ये क्या होता है मैं बताता हूँ ना, रुको। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें टंग को ऊपर रखना है, ठीक है। अगर तुम टंग ऊपर रख रहे हो, बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है, पर लेकिन अगर तुम्हें टंग को ऊपर रखने वाले बेनिफिट्स जल्दी से जल्दी चाहिए, ये चेन पकड़ो, ऐसे कर दो, दैट इज इट। नहीं लग रहा पता, एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये है मेरा मुंह और ये है चिन टक वाला मुंह। इस पोजीशन में मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि मेरे ये पैसेजेस कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं। इवन दो मैं थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव दिखता हूँ, पर फिर भी मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसेसिवनेस है, मतलब मेरी हड्डियाँ इतनी फॉरवर्ड ग्रो नहीं है। तो जितना तुम इस पोजीशन में रहोगे, ट्रंक को भी ऊपर रखोगे और ज़्यादा ज़्यादा मेंटेन करोगे, तुम्हारा फेस उतना ही अट्रैक्टिव होता जाएगा। अब तुम पूछोगे कि मैं ये पोजीशन रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तुम चेयर पर बैठे हो और अगर तुम्हारे पास लकीली मेरे जैसी चेयर है जो कि ऐसी वाली हेड रेस्ट के साथ होती है, तुम चेयर पर बैठ सकते हो। चेयर नहीं है, घबराना नहीं है आपने, पहले आपने दीवार पर प्रैक्टिस कर लेनी है।
दीवार पे मैं कब कब करूँ, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, जो जाता हूँ, मैं कहाँ करूँ। बेड पे सोते हो, पिल्लो हटा दो, ऐसे मुंह करके सो जाओ, वो भी इजी लग रहा है, फर्श पे चले जाओ। भाई मैं लिख के कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल चीज़ है, थोड़ी सी मैनेज करने वाली चीज़ है कि लोगों के सामने नहीं है वो, पर अगर तुम इसको मैनेज करते हो साथ म्यूइंग करते हो, बहुत इनसेन लेवल ऑफ डिफरेंस नज़र आता है तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस पे। और ये एक हेल्दी पोस्चर है जो कि तुम्हारी पूरी स्कल के अलाइनमेंट को चेंज कर देता है। कई लोगों को ये वाला पोस्चर है ना, वो भी ठीक हो जाता है। सो अभी के अभी लग जाओ चिन टकिंग करने में, ये वीडियो खत्म होते ही, या इनफैक्ट ये वीडियो ही चिन टकिंग करके देखो अगर बिस्तरे पे लेटे हो या चेयर पे बैठे हो। नेक्स्ट आता है तुम्हारी गर्दन का साइज। गर्दन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कुछ पिक्स, पतली गर्दन और मोटी गर्दन से कितना फेशियल अट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है गर्दन का बड़ा छोटे होने से सिर्फ यही फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सुंदर या अगली दिख रहे हो, देयर इज आल्सो वन बिग रीजन कि तुम्हारी गर्दन मोटी क्यों होनी चाहिए। तुम मर्द हो, मैन हो, कभी पंगा हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। जस्ट इमेजिन तुम्हारा पंगा हो रहा है एंड तुम्हें एक पंच गलती से मुंह पर पड़ जाओ और तुम बेहोश हो जाओ, नॉकआउट हो जाओ। वुड यू लाइक दैट टू हैपन? क्योंकि एक बार तुम गिरे और अपना डिफेंस खो दिया तो तुम तो गए भाई, लाते मुके डंडे डुंडे सब पड़ सकता है। तुम चाहते हो कि तुम नॉकआउट ना हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि एज अ मैन कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें चाहिए एक बिगर नेक। माइक टाइसन अपनी नेक को घंटों घंटों ट्रेन करता था ताकि वो नॉकआउट ना हो जाए। हर बॉक्सर ट्रेन करता है, हर एमएमए वाला स्पेशलिस्ट ट्रेन करता है, तुम क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हो? कई लोग तुम जिम जाते होगे पर आज दिन तक नेक की ट्रेनिंग नहीं की होगी। अगर तुम्हें ब्यूटी से मतलब नहीं है कि मेरे को नहीं दिखना सुंदर होना, आई एम एन अल्फा मेल, मेरे को सुंदरता से मतलब नहीं है, तो तुम अपनी गर्दन सिर्फ इसीलिए स्ट्रॉन्ग बना लो, थिक बना लो ताकि तुम्हें मुक्का पड़े तो तुम बेहोश ना हो। गर्दन को ट्रेन कैसे करते हैं, येलो स्क्रीन पर वीडियो इजीली देखो, इस तरह से ट्रेन करते हैं। ये तुम फोरहेड पे भी रख सकते हो और सर के पीछे भी, मैं कहूँगा दोनों पे रखो एंड इन दोनों के तीन तीन दो दो सेट हफ्ते में एक दो बार लगाया करो, तुम्हारी गर्दन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और वेट को भी बढ़ाना है इसमें धीरे धीरे करके। नंबर फिफ्थ है फेस एक्सरसाइजेस। फेस एक्सरसाइजेस ये क्या होता है? फेस एक्सरसाइजेज में कुछ तरह की एक्सरसाइज आती है, मैं सारी रिवील नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कुछ मेरे कोर्सेज में है, वो कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं दे सकता, यहाँ पर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इसलिए आई एम आउट, पर मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। तो फेशियल एक्सरसाइजेज में सबसे पहले तुम्हारी आती है च्युइंग। च्युइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। च्युइंगम ले लो दुकान से, पाँच छः इकट्ठी मुँह में डाल लो, चबाते रहो। मेक श्योर, बहुत बड़ा एडवाइस दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, एक तरफ से मत चबाना, मुँह बहुत असिमेट्रिकल हो जाएगा। दोनों तरफ से चबाना, दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ से बराबर तरीके से चबाना। उसके बाद आती है फेशियल एक्सरसाइजेज में तुम्हारी स्क्विंचिंग की एक्सरसाइज। स्क्विंचिंग क्या होती है? ये स्क्विंट, ये स्क्विंच। जितना तुम इस मसल को ऐसे करके मेंटेन रखोगे द बेटर योर आइज विल स्टार्ट लुकिंग। और भी मोर देन 15 एक्सरसाइजेज हैं, मैंने बेस्ट अपने कोर्सेज में बताई हैं, अगर तुम कोर्स में इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे दबा सकते हो। नेक्स्ट इज योर हेयर स्टाइल। यस, हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है अगर मैं इस वक्त गंजू गंजू हो जाऊँ मैं इतना सुंदर नहीं दिखता हूँ, पर अगर मेरे बाल लंबे हो जाएं तो मैं काफ़ी सुंदर दिखता हूँ। हर बंदे के लिए अलग होता है हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल को अपने हिसाब से चूज़ किया करो। अपने हिसाब से कैसे करना, तुम नेट पे चले जाओ, अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल चूज़ करो एंड जब तुम अपने हिसाब से हेयर को रखोगे ना, हेयर इज़ लाइफ, बहुत डिफरेंस आ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बालों और ना बालों में बहुत फ़र्क आता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हेयर स्टाइल में, वो है तुम्हारी हेयर लाइन। तुम में से कई लोग आज के टाइम पर अगर अपना फोरहेड दिखाते होगे ना तो बहुत अगले दिखते होगे। इवन मैं जो कि डिसेंट दिखता हूँ, मैं भी अपने बाल पीछे कर दूँ तो मैं अजीब दिखता हूँ, क्योंकि हेयर लाइन हम सबकी परफेक्ट नहीं होती है, कईयों को रिसीडिंग होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तुम्हें एक हेयर की बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाल डैमेज होते हैं या तुम खुश नहीं हो मतलब अपने बालों की क्वालिटी से, अभी के अभी शैम्पू कंडीशनर को गुड बाय बोल दो, बिल्कुल जीरो यूजेज नेक्स्ट 100 दिनों के लिए एंड देखो क्या होता है। 90% चांस है तुम्हारे सारे इश्यूज ठीक हो जाएंगे, लाइक हेयर फॉल के, हेयर में वॉल्यूम नहीं है, ये है वो है, जो भी है सबका सब ठीक हो जाएगा। ये तुम ट्राई कर सकते हो, बस पानी से बालों को धोना। सेकंड, तुम गर्म पानी बालों पे डालना बंद कर दो, वो तुम्हारी जड़ें खराब करता है। एंड थर्ड, अगर तुम अपनी हेयर लाइन से खुश नहीं हो और मेरी तरह बाल पीछे रखना चाहते हो एंड थोड़ा बहुत गुड लुकिंग दिखना चाहते हो, क्योंकि हेयर लाइन को एक्सपोज करके गुड लुकिंग दिखने में लिटरली बॉल्स लगती हैं, तुम्हें एक्चुअली में गुड लुकिंग होना पड़ता है, वरना आजकल का ये जो माथा ढकने वाला हेयर स्टाइल चला है ना ऐसे करके, इसमें तो कोई भी गुड लुकिंग दिख जाता है, इसमें नहीं मतलब छोटे छोटे में। तो अगर तुम्हें अपने हेयर लाइन पर वर्क करना है, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे दबाओ, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और वो इस तरह से एक्सप्लेन किया है तुम्हें कोई नहीं बताने वाला इंडियन यूट्यूब में उस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टू द नाइस यूजुअल टू शूट एवरीवन। जागते रहो।